जाफर भाई, सारी तैयारियां हो गई है ना अच्छे से, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, एक बार आप फिर से देख लीजिए। ठीक सही। आयत, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इतने सारे काम क्यों कर रही हो? भाभी जान, कर लेने दीजिए ना, और मेरी भतीजी की शादी है, और पता नहीं ये मौका फिर मिले या ना मिले। ये लो। अरे आप लोग यहाँ? अरे मदिया, तुम्हीं ने तो बुलाया था, इतने हैरान होने की क्या बात है? अब माफ कीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं था। देखिए हम लोग ना सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन। भाभी जान, इन्हें मैंने बुलाया, और वैसे भी घर में शादी है, धूमधड़ा का नाच गाना नहीं होगा तो कैसे हो सकती है शादी? एकदम सही फरमाया। आप लोग अंदर चलिए, चलिए चलिए चलिए। अल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हो मदिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक हो, मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम। हो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। पप्पी जान, मेरे कुछ दोस्त आए हैं, कभी मुस्लिम वेडिंग देखी नहीं थी तो इन्हें भी साथ ले आए। बहुत अच्छा किया, आइए तशरीफ लाइए। बी कंफर्टेबल। हाँ जाओ 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 जाओ, ध्यान रखो। भाई मानना पड़ेगा, जब से माहिरा की फूफी आ गई है ना, तो इस हवेली की रौनक चौगनी हो गई है। वैसे आपके शौहर तो नहीं है, लेकिन आपके बच्चे आपसे कितना खुश रहते होंगे, है ना? जान, वो आपके बच्चे नहीं हैं? भाभी जान चलिए ना, रस्म शुरू करते हैं, माहिरा आपका इंतजार कर रही है। अरे हाँ, माहिरा है कहाँ? आना ना छोटी। हाँ इससे पहले कि इन लोगों को मेरी यहाँ आने की वजह पता चले, मुझे जल्द से जल्द मरियम को यहाँ से लेकर निकलना होगा।
प्लीज रिसीव कॉल। हेलो 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 मैम, क्या हो? कोई गड़बड़ तो नहीं की तुमने? एक गड़बड़ हो गई है। हॉस्पिटल वालों ने मरियम की रिपोर्ट्स आपके घर भिजवा दी है। वो डिलीवरी बॉय बस आपके घर पहुंचने ही वाला होगा। जाफर भाई, मेडिकल रिपोर्ट्स घर में तो किसी ने टेस्ट नहीं करवाया। रिपोर्ट्स किसकी है? भाईजान ने अगर रिपोर्ट्स पे मरियम का नाम पढ़ लिया तो कयामत आ जाएगी, कैसे रोके इन्हें? पुपीजान, आपको तो हल्दी लगी ही नहीं है। मैं आपको हल्दी लगाती हूँ। अब मैं अपनी फोटो खींचती हूँ। अब अब्बू को भी बुलाते हैं, हम उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे। अब हम दो मिनट बात कर रहे हैं। जल्दी चलिए ना, हम बात करके आते हैं। बेटा वो कह रहा है तो वो झूठा नहीं है। गलती से गिर गया पापा, गलती से गिर गया, कोई नहीं। आई एम सॉरी अब्बू, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये कैमरा संभाल के रखूंगी, पर ये टूट गया और मेरा प्रॉमिस भी।
नहीं बेटा, आपने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा आपने। चलिए रोना बंद करिए आप। ये कैमरा वैसे भी बहुत पुराना हो गया था, नया कैमरा खरीद लेंगे हम लोग। ओके नए जमाने के जर्नलिस्ट के लिए नया कैमरा। नहीं अब ये कैमरा आपका था और इसी से आप जर्नलिस्ट बने थे, मुझे भी ये कैमरा चाहिए। अरे मजाज, ये कैमरा तो बन जाएगा ना? बताइए। अरे हाँ, ये तो आराम से रिपेयर हो जाएगा। सच अब्बू? आराम से रिपेयर कर देंगे, लेकिन एक मसला है। क्या? आपको स्माइल करना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा और थोड़ी सी और थोड़ी सी। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।